नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, नौहेरा शेख की जमानत हो चुकी है, वो जेल से बाहर आ चुकी है। तो दोस्तों, आज हम उनका पहला मैसेज सुनते हैं, उन्होंने क्या दिया बाहर आते ही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं ये मैसेज जो है थोड़े वक्त में जो है जो मिला वक्त मुझे, मेरे सारे लोगों को ये मैसेज इंशाल्लाह देना चाहती हूँ कि अल्लाह की रहमत से और अल्लाह के फजल व करम से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसके थ्रू अल्लाह ने आज मुझे जुमा के दिन अल्हम्दुलिल्लाह रिलीज किया और मैं अल्लाह का सबसे पहले शुक्र अदा करती हूँ और उसके बाद आप सब तमाम मेंबरान जो मेरे साथ खड़े रहे, आज तक भी खड़े हैं, और मेरे सारे स्टाफ और एमई और डीएसए और जो भी मेरे जितने भी कंपनी के जो काम करने वाले थे और उन सब का सपोर्ट, जो सपोर्ट करने वाले थे और जुबानी सपोर्ट करने वाले और माली सपोर्ट करने वाले और अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह की जो सपोर्ट करने वाले थे, तो उन सपोर्टर के सारी जीत अल्लाह का फजल है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुई है। और 2 साल तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है 2 साल से ज्यादा मुद्दत हुई हमें आजमाया और देखा क्या हम इस बात को कबूल करते हैं कि वो जब तंगी भी ला सकता है, तकलीफ भी ला सकता है, तो हम उस हालत में कैसे रहेंगे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं तो अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र अदा करती हूँ कि जो जो इल्जाम हमारी कंपनी को लगाते थे और जो जो इल्जाम हमारे हीरा ग्रुप के ऊपर लगाते थे वो सब सुप्रीम कोर्ट में जो है अल्लाह के फजल से जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उन सबको जो है ये कर दिया गया। और अल्लाह के फजल से जो है मैं ये मैसेज आपको इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ कि आप सब तड़प रहे होंगे। मैंने सुना कि आप सब जेल के सामने जो है आकर 3 दिन से खड़े रहे थे और आप सबको बहुत तकलीफ हुई होंगी। आप वो केस लाए थे और खुशियां देने के लिए, मुबारकबादी देने के लिए मैं भी तड़प रही थी, मगर मैं कुछ नहीं कर सकती थी, मगर आपसे मैं मुलाकात नहीं कर सकी। मगर इसलिए मैं दिल में जो है बहुत ही ज्यादा ये हो रहा था, बस मुझे थोड़ा मौका मिला तो मैंने सोचा कि मैं आपको जो है एक मैसेज भेजूं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह के फजल से मैं बहुत ही अच्छी हूँ और आप सब अच्छे रहेंगे, मैं अल्लाह की जात से उम्मीद रखती हूँ। और इंशाअल्लाह आपकी साथदारी, आपका सब्र और आपका पेशेंस मेरी बहुत बड़ी कामयाबी मिली और हम सब कामयाब हुए आज माशाअल्लाह। जो भी हीरा ग्रुप का एक एक बंदा है वो अल्लाह के फजलो करम से जो है कामयाब हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट के कुछ हमारे लिए प्रोसीजर्स बताए ही माशाल्लाह, तो वो प्रोसीजर्स को जो है अल्लाह के फजल से हम फॉलो हो जाएंगे और मैं उसके लिए पूरा 100% इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि वो प्रोसीजर्स को फॉलो हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह से 2 साल से जब से मैं अंदर थी अल्लाह से मैं एक दुआ करती थी कि अय अल्लाह मैं अमानतदार हूँ और मैं कोई चीजें तुझे बता नहीं सकती, बस मेरा दिल तुझे मैं बता सकती हूँ कि मेरे दिल में क्या है। और मेरे दिल में ये है कि मैं हर किसी का एक एक अमानत मैं अदा करूँ, अगर जिसको भी लेना देना है। बस आप भी मेरे साथ रहे और अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद हुई और अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया और हमारी कंपनी वापिस से स्टार्ट करने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने अल्लाह के फजल से जो है इजाजत दी, हमारी तिजारत को शुरू करने के लिए इजाजत दी और क्लियरली कह दिया गया कि अल्हम्दुलिल्लाह के ये तिजारत है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से इसमें जो भी साथ दिए हैं, जो भी स्ट्रांग पिलर बन के खड़े हैं, हम उनका बहुत ही बड़े जो है अल्लाह के बाद शुक्र अदा करती हूँ मैं अल्लाह के फजलो करम से। और क्या, और मैं जो है ज्यादा इस वक्त में जो है आपको कुछ बता नहीं सकती और इंशाअल्लाह जो प्रोसीजर्स थोड़े हैं वो खत्म होने के बाद मैं जरूर से जरूर जो है सारे जो भी कंपनी के एक्टिविटीज होंगे मैं अपडेट करूंगी और मैं आप सबसे मुलाकात करूंगी इंशाअल्लाह, आजादी के साथ मुलाकात करूंगी और ऑफिसेस में मुलाकात करूंगी इंशाल्लाह, मुंबई के ऑफिस में या हैदराबाद के ऑफिस में, जो भी हमारे ऑफिसेस हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैं जरूर से मुलाकात करूंगी और मैं कोशिश करूंगी कि इंशाल्लाह जो भी जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो सारे काम जो है मैं जल्द से जल्द जो है कि अदा करूं इंशाल्लाह।
और उसके बाद जो मेरे साथ रहने वाले और साथ देने वाले, मैं हमेशा उनके साथ हूँ और मेरा आखिरी वक्त तक और मेरे आखिरी जो कस्टमर होगा, जिसको भी अगर एक पैसा भी मुझे देना है तो मैं उसको अदा करने के लिए इंशाल्लाह पूरी पूरी 100% कोशिश करूंगी। और इंशाल्लाह मैं सबको यही बात कहना चाहती हूँ, आप सब दुआओं में याद रखिए और दुआ करे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें जो कामयाबी दिया है उसके लिए सजदा शुक्र अदा करे, अल्लाह का एहसान माने और अल्लाह का शुक्र अदा करे। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु।